एक सबसे अजीब सी चीज़ ये हुई है कि मिर्ज़ापुर के बाद मुन्ना को उसी तरह के करेक्टर में देखा जा रहा है, और उसके अलावा कोई फिल्म नहीं मिल रही उस टाइप की जिस तरह का वो डिज़र्व करता है। और ज़्यादातर जितनी भी फिल्में देखें उसकी, उसको सिर्फ कॉमेडी का रोल दिया जाता है। थाई मसाज भी एक ऐसी मूवी है, टॉपिक अच्छा है, फिल्म अच्छी है, थोड़ा ह्यूमर भी है, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के बैरियर्स, इमोशंस एंड बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू गो इन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू थाई मसाज मूवी। अब फिल्म बहुत अच्छी है, देखने के लिए है। अब मसला हमारा ये है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे क्या नाम है, फिल्म इंडस्ट्री में अगर एक ही टाइप की फिल्में बन रही हैं तो हमारा दिल करेगा वही फिल्में देखें। एक ऑडियंस है जो स्टैंड अप कॉमेडी को भी देखना पसंद करती है, एक ऑडियंस है जो क्या नाम है वो स्टेज के गानों को भी देखना पसंद करती है, गांव में जिस तरह के गाने स्टेज और जिस तरह के, तो वो अब हर तरह की ऑडियंस के लिए डिफरेंट लेवल का एंटरटेनमेंट वेन्यू है, तो उसी जॉनरा के साथ उस तरह की फिल्में भी होनी ही चाहिए। अब थाई मसाज एक टॉपिक के साथ है, एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जो अब अपनी ज़िंदगी में उस एज पर आ गया कि उसको ये शर्म आती है कि मैं जो भी कुछ करूँगा वो सोसाइटी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी औलाद के लिए, मैं पोते दोते दाता बन गया हूँ, इन सब के लिए बुरा होगा। बट वहीं कहीं ना कहीं जाके वो उस तरह का स्टेप उठा लेता है, और फिर रेस्ट इज स्टोरी, आप देखेंगे आपको पता चलेगा। बहुत से काम सिनेमाज में लगी है जिसकी वजह से, लेकिन तो ऑडियंस ने पसंद ज़रूर की है, वो इसलिए क्योंकि इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं कहीं ना कहीं आपको सिर्फ मैसेज डिलीवर करते हैं। बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन हम फिर वही रीति रिवाजों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ये घर में अगर कोई इस एज में है तो वो अकेला है, और हम अपने डांस वगैरह अलहदा कर रहे हैं, सो लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ये चलो यार, पता नहीं, एक फिल्म आई थी जॉगर्स पार्क, ठीक है, तो वो भी थोड़ी इस तरह की नहीं थी, लेकिन वो थोड़े सीरियस टॉपिक पे थी, गाने भी अच्छे थे, बट ओवरऑल ये फिल्म अच्छी है, देखने के काबिल है, और बाद में पता चलेगा जब OTT पर आ जाएगी, बट ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड स्टोरी एंड आई होप यू रियली इन्जॉय दिस। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंग मी, टेक योर लव एंड स्टे सेफ, बाय बाय।